अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमदस्तर हुसैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडिपस टैक्स की ओड फोर को, जो कि सीन फोर के बाद आती है। और ओड फोर में एज यूजुअल हमें पता है कि सीन फोर के अंदर जो कुछ भी हुआ है वही हमें एक सॉन्ग की फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि कोरस के जो लोग होते हैं वो गाने की सूरत में उससे पहले वाले सीन को एक्सप्लेन करते हैं। तो वही हमें देखने को मिलेगा। और सीन फोर में हमने देखा था कि ईडिपस को अपना सारा सच पता चल जाता है, तो उसी के ऊपर सारी डिस्कशन होगी इस ओड के अंदर। तो हम देखते हैं अपने ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, इसमें दो स्ट्रॉफी हैं और दो एंट्री स्ट्रॉफी हैं। तो कोरस की लाइंस हैं, वो कहते हैं कि पहली स्ट्रॉफी वन की लाइंस है, उसमें कोरस है, कोरस कहता है कि अलास अफसोस फॉर द सीड ऑफ मैन, यानी कि जो इंसानी नस्ल है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। व्हाट मेजर शैल आई गिव दीज जनरेशंस, मतलब दीज जनरेशन मतलब जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो इस वक्त ज़िंदा हैं, मतलब इस वक्त ज़िंदा रहने वाली जो नस्ल है। व्हाट मैयर, मैयर का मतलब है कहना, मतलब बताना। वो कहता है कि इस मौजूदा नस्ल को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा। दैट ब्रीथ ऑन द वॉइड एंड आर वॉइड, वॉइड का मतलब होता है खाली, मतलब जिसकी कोई हैसियत ना हो। तो कहता है कि दैट यानी कि वो नस्ल जो कि ब्रीथ यानी कि ज़िंदा है या इन्जॉय कर रही है, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रही है ऑन द वॉइड, मतलब एक ऐसी चीज़ के लिए इन्जॉय कर रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, जो कि खाली है। एंड आर वॉइड यानी कि जो ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं ना उसका कोई मतलब नहीं है और वो खाली है, ये मतलब है इस लाइन का। मतलब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ज़िंदगी में वो खुशियाँ इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब खुश हैं और अपने आप को समझते हैं कि ये खुशियाँ हमेशा रहेंगी, तो ये उनकी भूल है। एंड एग्जिस्ट एंड डो नॉट एग्जिस्ट, और वो जो उनकी ज़िंदगी है, मतलब वो जिसको वो समझते हैं कि ये खुशियाँ हमें मिली हैं तो ये हमेशा रहेंगी, तो वो वाली चीज़ जो है ना, कहता है कि वो एक किस्म से हकीकी भी है और नहीं भी है। हकीकी कैसे है कि एक टाइम की उनको खुशी मिल जाती है तो इस लिहाज से वो एग्जिस्ट भी करती है, लेकिन एंड में हम सब जानते हैं कि ये जो दुनिया है ना ये मॉर्टल है, तो इसने ख़त्म हो जाना है, इसलिए वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो हु बियर्स मोर वेट ऑफ जॉय देन मैस ऑफ सनलाइट शिफ्टिंग इमेज। अच्छा, इस लाइन का मतलब यह है, वो कहता है कि कौन ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो, मतलब कोई भी बंदा जो खुश होता है ना उसकी जो खुशी होती है उस खुशी की अहमियत इतनी होती है कि देन मैस ऑफ सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी है ना उसका एक थोड़ा सा हिस्सा शिफ्टिंग इन इमेज, मतलब वो क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूरज की रोशनी है, जो रोशनी की वजह से हम एक दूसरे पर नज़र आता है ना, मतलब एक दूसरे हम देख पाते हैं। तो कहता है सूरज की रोशनी जिस चीज़ के ऊपर पड़ती है ना हमें, तभी वो चीज़ नज़र आती है। तो कोई भी आदमी जो इस दुनिया में खुश है ना उसकी खुशी सिर्फ इतनी सी है कि वो सूरज की रोशनी, चीज़ों के ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी की वजह से उन चीज़ों को देख पा रहा है, मतलब इतनी सी खुशी है सिर्फ, इसके अलावा और कोई अहमियत नहीं है उस खुशी की। तो कहता है और हु शैल मेक हिज थॉट स्टे ऑन, कौन बंदा है जो ये सोच सकता है। थॉट स्टे ऑन का मतलब है कि कौन ऐसा बंदा है जो ये सोच सकता है कि दैट डूम टाइम, मतलब डाउन टाइम ड्रिफ्ट्स अवे। डाउन टाइम का मतलब है बुरी किस्मत यानी कि बदनसीबी। ड्रिफ्ट्स अवे का मतलब है कि ठहर सकती है, थोड़ी देर बाद आ सकती है, मतलब कहता है कि कौन इस दुनिया में ऐसा बंदा है जो कि ये सोच सकता है कि उसकी जो बुरी किस्मत है या किसी और की जो बुरी किस्मत है तो के मतलब वो एक मुकर्रर वक्त के ऊपर आने की बजाय थोड़ी देर ठहर सकती है। यहाँ पर वो बात ईडिपस की कर रहा है, क्योंकि जब ईडिपस को उन्होंने, मतलब उसके बाप ने मरने के लिए छोड़ा था, तो किस्मत तो उस टाइम भी बुरी थी ईडिपस की, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ठहर गई थी, इसलिए ईडिपस बच गया, पॉलीबस के पास गया, वहाँ से बादशाह बना, बादशाह बन के थिप्स का बादशाह बना, और उसके बाद एंड में जो उसकी किस्मत थी वो उसको मिली, मतलब उसको सच पता चल गया, और आगे हम सब जानते हैं कि वो क्या होगा उसके साथ। मतलब वो कह रहा है कि उसकी बुरी किस्मत थी ना वो टली नहीं थी, वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, पोस्टपोन हो गई थी। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि कोई बंदा ये सोच सकता है कि जो बुरी किस्मत है वो थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। योर स्प्लेंडर इज ऑल फॉलन, योर कौन, ईडिपस की बात हो रही है कि योर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर यानी कि शान व शौकत, इज ऑल फॉलन यानी कि अब वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब ईडिपस तुम्हारी जो शान व शौकत है, जो रुतबा है, जो बादशाहत है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। ओ नेक्ड ब्रो फॉर रैथ एंड टीयर्स, मतलब नेक्ड ब्रो मतलब कि तुम्हारा जो माथा है, माथे के ऊपर या तुम्हारी किस्मत जो है सीधी सीधी, उसके ऊपर रैथ यानी कि कहर एंड टीयर्स और आंसू, यानी कि तुम्हारा जो माथा है, जो तुम्हारी किस्मत है, उसके ऊपर सीधा सीधा कहर और आंसू नज़र आ रहे हैं, मतलब वो कहर है, मतलब वो कहर वाली किस्मत है और उसको देखकर आंसू आ रहे हैं। ओ चेंज ऑफ ईडिपस,
यानी कि ये जो ईडीपस की किस्मत तब्दील हुई है, जो इसके साथ हादसा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इस लाइन का ये मतलब है। फिर कहता है आई यानी कि मैं हु सा योर डेज कॉल नो मैन ब्लेस्ड, मतलब मैं वो आदमी जिसने वो दिन, योर डेज मतलब तुम्हारे वो दिन, कॉल नो मैन ब्लेस्ड कि तुम्हारे वो दिन जो कि हम समझते थे कि किसी भी आदमी को नहीं मिले, मतलब तुम्हें जो इतनी इज्जत मिली, इतना रुतबा मिला, तुम थिब्स के बादशाह बने और तुम्हें देखकर लोग कहते थे कि जो तुम्हारी किस्मत है वो किसी और की नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देखी है। फिर आगे वाली लाइन में वो कहता है योर ग्रेट डेज लाइक घोस्ट गॉन, मतलब तुम्हारे वो जो दिन थे ना जिसमें हम समझते थे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग मिली हुई है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाजा गया है, वो एक भूत की तरह ही गायब हो चुके हैं, मतलब वो जा चुके हैं, ये मतलब है यहाँ पर। फिर स्टार्ट होती है एंटीस्ट्रोफी। एंटीस्ट्रोफी में हम देखते हैं कि दैट माइंड वॉज अ स्ट्रॉन्ग बो, दैट माइंड का मतलब है ईडिपस की बात हो रही है कि तुम्हारी जो शख्सियत है ना वॉज अ स्ट्रॉन्ग बो, बो का मतलब होता है कबूल करना, तस्लीम करना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो कहता है कि तुम्हारी जो शख्सियत है ना वो बहुत पहले, मतलब स्ट्रॉन्ग बो मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ये चीज़ हमने कबूल कर ली थी, मतलब हमने ये चीज़ बहुत ही पहले कबूल कर ली थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, मतलब तुम्हारा रुतबा बहुत ज़्यादा है। डीप, हाउ डीप यू ड्रीव इट, डीप का मतलब है गहरा, मतलब कितनी शिद्दत के साथ, हाउ डीप यू ड्रीव इट, ड्रीव का मतलब होता है ज़ोर से फेंकना, मतलब डीप यू ड्रीव इट देन, मतलब कहता है कि कितनी शिद्दत के साथ तुमने इसको ज़ोर से नीचे फेंका है। किस चीज़ की बात कर रहा है, किसको नीचे फेंका है, अपनी किस्मत की बात कर रहा है कि कितनी शिद्दत के साथ तुमने नीचे फेंका है। हार्ड आर्चर, हार्ड आर्चर यहाँ पे क्या मुराद है, किस्मत की बात हो रही है यहाँ पे ना, किस्मत को वो मतलब मेटाफराइज कर रहा है, कंपेयर कर रहा है हार्ड आर्चर यानी कि एक तीर कमान चलाने वाले के साथ। किस्मत को कहता है कि तुम एक बहुत ही बढ़िया तीर कमान चलाने वाले हो और तुमने ईडिपस की जो किस्मत है उसको बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंका है। एट अ डिम फेयरफुल रेंज, एक ऐसी जगह पर, मतलब एक ऐसी जगह पर बैठ कर मतलब तुमने ईडिपस की किस्मत को नीचे फेंका है जो कि बहुत ही फियरफुल है, मतलब खौफनाक जगह पर, खौफनाक जगह है। मतलब सीधा सीधा मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ कि वो कहता है कि किस्मत को कहता है कि ए किस्मत तुमने ईडिपस को डिम यानी कि बहुत ही करीब, ईडिपस के बहुत करीब बैठकर ऐसी जगह पर, ईडिपस के करीब ऐसी जगह पर बैठकर जहां पर के बहुत ही ज़्यादा ख़तरा हो, मतलब उस जगह पर बैठकर तुमने ईडिपस को कितनी ज़ोर के साथ नीचे फेंका है। किस्मत की यहां पे बात हो रही है। तो इसको इसका इसकी ना मैं एग्जांपल भी आपको देता हूं। वो कहता है, वो यहां पर बेसिकली ये कहना चाहता है कि क्योंकि ईडिपस जो था वो मतलब उसकी जो किस्मत थी, मतलब उसका जो सच था वो उससे थोड़ा सा दूर था। थोड़ा सा दूर कैसे था, बस उसको ये भी पता चल चुका था कि उसने ल्यूस का कत्ल किया है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ल्यूस ही उसका बाप है। तो ये जो थोड़ा सा पॉइंट था ना उसकी मतलब बैड फॉर्चून के करीब, मतलब उसकी बुरी किस्मत उससे इतना दूर थी कि उसको बस ये नहीं पता था कि उसका जो असली बाप है ना, मतलब ल्यूस है जिसको उसने कत्ल किया है। तो उसके बाद है एंड और ब्रॉट डियर ग्लोरी डाउन, मतलब और यहाँ पे वही किस्मत की बात चल रही है कि ए किस्मत तुमने उसकी जो शानदार जो ग्लोरी थी, अजमत थी, उसकी जो शान थी, उसका जो रुतबा था, उसको अब ख़त्म कर दिया है, झुका दिया है। यू ओवरकेम, अच्छा यू यहाँ पे यू है ईडिपस, ईडिपस की बात हो रही है कि ए ईडिपस यू ओवरकेम, तुमने मतलब ओवरकेम यानी कि हमें बचाया था द स्ट्रेंजर, मतलब उस स्ट्रेंजर के साथ, उस अजीब चीज़ के साथ। यहाँ पे वो अजीब चीज़ कौन है, उस स्फिंक्स की बात हो रही है जिसकी पहेली को सुलझा कर ईडिपस ने थिब्स के लोगों को बचाया था। तो उसकी बात कर रहा है कि ए ईडिपस तुमने हमें उस स्फिंक्स से बचाया था। द वर्जिन विद हर हुकिंग लाइन क्लोज, वर्जिन का मतलब है वो औरत थी, उसका चेहरा जो था वो औरत वाला था और उसके शेर के मतलब जबड़ों वाले, उसके शेर के जैसे जबड़े थे, मतलब हुकिंग ला हुकिंग का मतलब होता है मुड़े हुए, लाइन क्लोज यानी कि शेर के जैसे जबड़े, मतलब वो एक औरत थी और उसके शेर के जैसे जबड़े थे, उससे तुमने हमें बचाया था। एंड और दो डेथ सेंग, और तुमने मौत का गीत गाया था, मतलब उसको मारकर तुमने मौत का गीत गाया था। स्टूड लाइक अ टॉवर, और उसके ऊपर तुम मतलब खड़े थे एक टॉवर की तरह, यानी कि ऊंचे खड़े थे, तुमने मौत का गीत गाया था। मतलब मौत का गीत गाया था का क्या मतलब है कि तुमने उसको मारा था, उसको हराया था, और तुम एक टॉवर की तरह मतलब तुम ऊंचे खड़े हुए थे। टू मेक पेल थिब्स टेक हार्ट, मतलब स्टूड लाइक अ टॉवर, यहाँ पे वो कह रहा है ना कि तुम एक टॉवर की तरह यानी कि तुम सीधे खड़े थे, हम सब लोगों के सामने आके खड़े थे जब तुमने उसको हराया। और अगली लाइन में वो उसका रीज़न बता रहा है कि तुम ऐसे क्यों खड़े थे, मतलब लाइक अ टॉवर क्यों खड़े थे। टू मेक पेल थिब्स टेक हार्ट, ताकि तुम
उन लोगों को, यानी कि पेल थिब्स का मतलब है कि वो लोग जो कि डर के मारे, मतलब उनके चेहरे जो थे पीले पड़ गए थे, थिब्स के वो लोग जिनके चेहरे डर के मारे पीले पड़ गए थे, तुम उन लोगों को तसल्ली देने के लिए, मतलब टेक हार्ट का मतलब है उन लोगों को तसल्ली देने के लिए तुम वहाँ पर सीधे खड़े हो गए थे कि ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है, अब वो स्फिंक्स जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर कहता है फोर्ट्रेस अगेंस्ट आवर सोरो। फोर्ट्रेस का मतलब होता है ढाल भी हो सकता है, किला भी है यहाँ पर, मतलब तुम ना आवर सोरो यानी कि जो हमारा दुख था, हमारी मुसीबतें थी, हमारा जो गम था उसके खिलाफ तुम किले की तरह खड़े थे, हमारे मतलब दुखों के सामने किले की तरह खड़े थे। ट्रू किंग, सच्चे बादशाह, गिवर ऑफ लॉज, तुमने हमें कानून दिए, मतलब बहुत सारे कानून दिए। मैजिस्टिक ईडिपस, ए शाही ईडिपस, शानदार ईडिपस। नो प्रिंस इन थिब्स हैड एवर सच अ रीनॉन। रीनन कहते हैं कि मशहूर, शोहरत। कहता है कि थिब्स के अंदर कोई भी ऐसा शहजादा नहीं है जिस जो कि तुम्हारे जितना मशहूर हो, मतलब जिसकी शोहरत इतनी ज़्यादा हो जितनी तुम्हारी हो। तो नो प्रिंस वॉन सच ग्रेस ऑफ पावर, और ना ही आज तक कोई भी जो शहजादा है वो तुम्हारी जितनी ताकत मतलब हासिल कर पाया है। उसके बाद है स्ट्रॉफी, फिर से स्ट्रॉफी में है कि एंड नाउ ऑफ ऑल मैन एवर नन, इसका मतलब है कि एंड नाउ ऑफ ऑल मैन एवर नन मोस्ट पिटफुल इज दिस मैन स्टोरी, यानी कि नाउ इस वक्त ऑल मैन एवर नन यानी जितने भी आदमियों के बारे में, जितने भी लोगों की स्टोरी हमें पता है ना, मोस्ट पिटिफुल सबसे ज़्यादा काबिल रहम यानी जिसके ऊपर रहम खाया जा सके इस दिस मैंस स्टोरी। दिस कौन? ईडिपस की बात कर रहा है। कहता है कि हमारे पास जितने भी आदमियों की कहानी मौजूद है ना, जितने भी आदमियों को हम जानते हैं, उन सब की जो कहानी है ना वो इतनी ज़्यादा काबिल रहम नहीं है, मतलब उन पर इतना ज़्यादा रहम नहीं खाया जा सकता जितना ज़्यादा ईडिपस पर रहम खाने की ज़रूरत है, या जितना ज़्यादा ईडिपस पर रहम खाना चाहिए। His fortunes are most changed, मतलब उसकी जो किस्मत है ना वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। His state, उसकी जो हालत है, उसकी जो रियासत है वो भी तब्दील हो चुकी है। Fallen to a low slave's ground under bitter fate, अच्छा उस कहता है कि उसकी जो किस्मत है और उसकी जो हालत है वो इतनी ज़्यादा फालन यानी कि इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। अब वो उसके गिरने को ना आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि कितनी ज़्यादा गिरी है उसकी किस्मत। टू अ लो स्लेव्स ग्राउंड, मतलब एक जो ग़ुलाम होता है ना अंडर बिटर फेस, एक ऐसा ग़ुलाम जो कि बहुत ही बुरी किस्मत के साथ मतलब लड़ रहा होता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी किस्मत होती है। ईडिपस की भी जो किस्मत है ना वो उस लेवल तक पहुंच चुकी है, उस ग़ुलाम के लेवल तक पहुंच चुकी है, यहाँ पर ये कह रहा है वो। फिर कहता है ओ ईडिपस, ए ईडिपस मोस्ट रॉयल वन, ए शाही ईडिपस, मतलब ए शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले। द ग्रेट डोर That expelled you to the light. Great door यहाँ पर मुराद है कि वो एक ऐसी power, एक ऐसी power या एक ऐसा दरवाज़ा that expelled, जिसने तुम्हें मतलब निकाला था you to the light, जिसने तुम्हें रोशनी में निकाला था, यानी कि जिसने तुम्हें power दी थी, ताकत दी थी, रुतबा दिया था, दर्जा दिया था, एक ऐसा दरवाज़ा जिसने तुम्हें रोशनी की तरफ निकाला था। Gave at night, मतलब अब वो तुम्हारे ऊपर अंधेरा कर चुका है, अब उसने तुम्हें रात की तारीकी में डाल दिया है। ओ गेव नाइट टू योर ग्लोरी, तुम्हारी जो किस्मत है उसको भी उसने अंधेरे में फेंक दिया है, मतलब बर्बाद कर दिया है। एज टू द फादर, और अगर तुम्हारे बाप की बात की जाए, टू द फादरिंग सन, मतलब तुम्हारा फिर एक और बाप भी है। ऑल अंडरस्टूड टू लेट, और ये जो सारी बातें हैं, ये जो सच तुम्हें पता चला है, ये बहुत ही देर बाद पता चला है तुम्हें। हाउ कुड दैट क्वीन होम ल्यूस वॉन, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मलिका जिससे ल्यूस ने कभी शादी की थी, वॉन का मतलब है शादी की थी। द गार्डन दैट ही हैरोड एट हिज हाइट, हाइट का मतलब है यूथ, यानी कि वो अच्छा गार्डन दैट ही हैरोड का मतलब है कि वो रियासत, वो रुतबा या वो ज़मीन जो कि इसने अपने रहते हुए फतह की थी या इसने कमाई थी अपनी जवानी के दिनों में। बी साइलेंट, वो खामोश नहीं रह सकती। व्हेन दैट एक्ट वाज डन, जब ल्यूस का कत्ल हुआ था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो उसकी जो बेगम थी, क्वीन यानी कि उसकी जो मलका थी वो, और जो उसने इज्जत शोहरत कमाई थी अपनी जवानी के दिनों में, उसको भुलाया नहीं जा सकता जब तुमने उसका कत्ल किया था। उसके बाद है एंट्री स्ट्रॉफी, एंट्री स्ट्रॉफी है उसमें कहता है कि बट, लेकिन
ऑल आईज फेल बिफोर टाइम्स आई, मतलब कोई भी आँख है ना या कोई भी आदमी है वो किस्मत के यानी वक्त के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, वो वक्त के साथ मुकाबला नहीं कर सकता और वक्त से हमेशा हार जाता है। ऑल एक्शंस कम टू जस्टिस देयर, क्योंकि वक्त के सामने जो भी एक्शंस यानी कि हमारे जो काम होते हैं ना उनके साथ इंसाफ होता है। अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें अच्छा उसका बदला मिलता है और अगर बुरा किया है तो बुरा मिलता है। दो नेवर विल्ड का मतलब है कि तुमने जो भी किया है ना, नेवर विल्ड, वो अपनी मर्जी से नहीं किया। दो फार डाउन द डीप पास्ट, मतलब वो सब कुछ जो तुमने फार बहुत पहले, डाउन द डीप पास्ट यानी कि माजी के अंदर बहुत पहले जो काम तुमने किए थे वो तुमने अपनी मर्जी से नहीं किए थे। अब आगे वो काम बता रहा है कि यू आर बैड, मतलब तुम्हारी जो शादी है वो वाला काम, योर ड्रेड सीरिंग्स, और तुम्हारा जो तुम्हारे बच्चे हैं मतलब तुम्हारी बेगम, जो खून के रिश्ते हैं, सीरिंग्स का मतलब पता है खून के रिश्ते, मतलब तुम्हारा जो तुम्हारे जो खून के रिश्तों के साथ जो तुम्हारा खौफनाक रिश्ता है, मतलब जिनको तुम अपने बच्चे समझते हो वो तुम्हारे भाई हैं, ये वाली जो चीज़ है, आर ब्रॉड टू बुक एट लास्ट। ब्रॉड टू बुक का मतलब होता है किसी को सजा देना, तो कहता है कि वो सारे कामों की तुम्हें सजा मिल गई है आखिरकार। चाइल्ड बाय ल्यूस डूम टू डाई, कहता है कि जो ल्यूस का बेटा था डूम टू डाई, उसकी किस्मत में ये मरना लिखा हुआ था, मतलब डूम टू डाई यानी कि मरना लिखा हुआ था। अब वो ना, जो हमने पहली स्ट्रॉफी के अंदर एक लाइन देखी थी कि किस्मत जो है वो थोड़ी सी ठहर सकती है, मतलब थोड़ी देर बाद बुरी किस्मत आ सकती है, तो वो वाली यहाँ पे वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसी लाइन को। कहता है कि जो ल्यूस का बेटा था उसकी जो किस्मत थी ना डूम टू डाई, मतलब जिसकी किस्मत में मरना लिखा था, देन डूम टू लूज दैट फॉर्चून लिटिल डेल्थ। लिटल डेल्थ का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए ठहर जाना, तो कहता है उसकी जो बुरी किस्मत थी ना, मतलब उसकी किस्मत में जो मरना लिखा था तबाही के साथ, तो वो थोड़ी देर ठहर गया और उसकी वो बुरी किस्मत आ जाई है, मतलब उसने उस टाइम मरना था जब उसके पांव बांधे थे और उसको पहाड़ों पर छोड़ के आया था, किस्मत में तो उसके तब मरना था, लेकिन वो उसकी किस्मत जो थी बुरी किस्मत वो आ जाई है जब उसको सच पता चला है। वुड गॉड यू नेवर टुक ब्रीथ इन दिस एयर, कहता है कि काश खुदा ने तुम्हें इस इन दिस एयर, मतलब इस दुनिया में पैदा ही ना किया होता। दैट विद माई वेलिंग लिप्स, मतलब मैं अपने रोते हुए, मैं इस रोती हुई हालत के साथ, आई टेक टू क्राई, मतलब मैं तुम्हारी हालत के ऊपर रो रहा हूँ। वेलिंग का मतलब होता है गिड़गिड़ा कर रोना। फार आई वीप द वर्ल्ड्स आउटकास्ट, और वर्ल्ड आउटकास्ट का मतलब है दुनिया का ठुकराना, यानी कि दुनिया ने जिस तरह से तुम्हें ठुकराया है ना, जो हाल किया है तुम्हारे साथ, मैं उस पर भी रो रहा हूँ। आई वॉज ब्लाइंड, फिर एंड वाली तीन लाइन में वो ये कहता है कि आई वॉज ब्लाइंड, कहता है कि हमें ये सब क्यों नहीं पता चला, मतलब हमें ये बात पहले क्यों नहीं पता चली, वो इस लाइन में एक्सप्लेन करेगा। कहता है कि आई वॉज ब्लाइंड, मतलब मैं अंधा था, नबीना था, एंड नाउ आई कैन टेल वाई, और अब मैं ये बता सकता हूँ कि मैं क्यों अंधा था, मतलब हमें पहले ये चीज़ क्यों नहीं पता चली, वो ये दो लाइनों में बताएगा। असलीप, कहता है क्योंकि हम लोग सो रहे थे। फॉर यू हैड गिवन ईज ऑफ ब्रीथ टू थिब्स, यानी कि जब तुम थिब्स के अंदर आए, हम जो थे ना वो स्फिंक्स वाली मुसीबत से जूझ रहे थे, यानी कि स्फिंक्स थिब्स के अंदर था, तुम आए, तुमने आकर हमें स्फिंक्स से बचाया, और हम इस चीज़ में इतने ज़्यादा मगन हो गए, हम इतने ज़्यादा खुश हो गए कि हमने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, मतलब तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, किस वजह से आए हो, ये वाली बातें हमने जानने की कोशिश ही नहीं की, तुमने आकर हमें बचाया और हम इसी खुशी में हमने ये वाले 15 साल गुजार दिए, तुम्हें बादशाह बनाकर ये वाले 15 साल गुजार दिए। वाइल द फॉल्स ईयर्स बाय, और इसी तरह से ये जो मतलब झूठे साल थे, 15 साल थे, ये गुजर गए, यहाँ पे ये कह रहा है वो। सो यहाँ पर एंड हो जाती है ओड 4। थैंक यू सो मच।